आपका अगर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पैसा रुक गया है तो आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो, आज हम आपको बताएंगे। हम अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं, ये पहले से ओपन हुआ है, पहले इसको बंद करते हैं, दूसरा टैब खोलेंगे। यहाँ ऊपर सर्च करेंगे पीएम किसान, जैसे कि मैंने पहले ही सर्च कर चुका था, तो फिर इसको टैप करते हैं। आप लिख लीजिएगा पीएम किसान, उसके जैसे फर्स्ट में ही ऊपर आपको मिलेगा पीएम किसान बेनिफिशरी स्टेटस, ये सब बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो आपको बेनिफिशरी स्टेटस में क्लिक कर दीजिएगा। उसमें आपको पहले देख लीजिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर पता हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर से आप सर्च करिएगा, अदरवाइज आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि सर्च बाय मोबाइल नंबर से हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर खोजते हैं, मोबाइल नंबर हम अपना डायल कर रहे हैं। जैसे मोबाइल नंबर एंटर कर दिए, फिर हम यहाँ कैप्चा फिल करेंगे, कैप्चा फिल हो गया है, गेट ओटीपी पे सेंड, गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, फिर ओटीपी आपका सेंड हो जाएगा, ओटीपी आपका मोबाइल नंबर में आ जाएगा। जैसे कि मेरा ओटीपी आ गया है, गेट डेटा करेंगे, इसके बाद आपको नीचे आपको मिल गया होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और फिर अपना नाम मिल जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद बैक चल जाइएगा, अब चेक करिएगा अपना स्टेटस, नो योर स्टेटस ऊपर में लिखा हुआ है देखिएगा, तो फिर उसके बाद इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर नीचे में बॉक्स में आपको पेस्ट कर दीजिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। पेस्ट करने के बाद आपको कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ कैप्चा फिल करिएगा, फिर गेट डेटा कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही गेट डेटा करते हैं, आप अपना पूरा डिटेल देखने को मिलेगा, जैसे फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर हुआ, अपना नाम, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन डेट, फादर सपोज नेम और मोबाइल नंबर। उसके नीचे आप देखिएगा एलिजिबिलिटी स्टेटस का ऑप्शन आएगा, इसमें स्क्रॉल डाउन करिएगा, ऑप्शन मिलेगा, इसके बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा आपका लैंड शेडिंग येस है या नहीं है, अकाउंट आधार बैंक अकाउंट शेडिंग स्टेटस येस है कि नहीं, ये मिलेगा आपको देखने के लिए, और फिर KYC स्टेटस पर। सही तीन चीज़ आपको जानना है कि आपका लैंड शेडिंग स्टेटस येस है या नहीं, अगर येस नहीं है तो आपका पैसा नहीं मिलेगा। जैसे किसी किसी को हम देखते हैं 10 किस्त 10वां किस्त मिलने के बाद भी वो रुक गया है, यही वजह है कि आप भौतिक सत्यापन नहीं कराए हैं अपने अंचल में जाके, या तो फिर कृषि मित्र लोग से कराया गया था अंचल से, पर आप घर में नहीं रहे होंगे, या तो किसी किसी रीजन से आप भौतिक सत्यापन नहीं किए होंगे, तो इसी वजह से मैं यहाँ 9 दिखा रहा है। और अगर आपका KYC स्टेटस 9 है तो आप प्रज्ञा केंद्र में जाकर अपना फिंगरप्रिंट दे के KYC करा सकते हैं। आपका बार जैसे कि मेरा देखिए 12 किस्त तक मेरा पेमेंट आया, इंस्टॉलमेंट आया है, तो आप इसके लिए क्या करोगे, तो आपके नज़दीकी जैसे आपका तहसील है, अंचल है, वहाँ पर जाइएगा, अंचल अधिकारी के नाम से एक आवेदन लिखिएगा, उसमें ये लिखिएगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन डेट ये है, मेरा गांव विलेज अपना जो भी लिखिएगा, और 10वां किस्त मैंने प्राप्त कर चुका है, उसके बाद मुझे नहीं मिला है, इस तरह से अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आवेदन लिख लीजिएगा, फिर ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। तो आपका लैंड शेडिंग यस हो जाएगा, उसके बाद से आपका पैसा आने लगेगा।
आवेदन के साथ आधार रसीद और पासबुक जमा कर दीजिएगा।